खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री के दफ्तर में राशन कार्ड का कैंप लगवाया गया, जिसमें द्वारका विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन भरा। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री के दफ्तर में, जहां राशन कार्ड कैंप लगाया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और क्यों राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और अंदर जाके सब कुछ समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री के दफ्तर में इस जन सैलाब को देखिए। यहाँ ना तो लंबी कतारें नजर आ रही हैं और ना ही शोर शराबा। हाथों में डॉक्यूमेंट्स लिए ये सभी लोग यहाँ राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने पहुंचे हैं, जिसमें सुबह 9 बजे से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। इस कैंप में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जनता की सेवा करते हुए नजर आए। दफ्तर में विधायक आदर्श शास्त्री तो मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ मौजूद हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की और राशन कार्ड मेकिंग के इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसके अंदर आज भारी संख्या में लोग आए, क्योंकि राशन कार्ड जो काफी समय से मतलब लोगों की डिमांड थी, राशन कार्ड बनने चाहिए, उस सुविधा को आदर्श शास्त्री जी ने अपने अथक प्रयासों से और दिल्ली सरकार के योजना है, तो वो राशन कार्ड की जो दिक्कतें लोगों को थी उसको ख़त्म करने के लिए पूरे एरिया के अंदर लोगों को अनाउंसमेंट करके, मैसेज पोस्टर लगा के, सभी तरीके से लोगों के पास प्रचार करके आज लोगों को यहाँ बुलाया गया, सभी लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए। जी आप बताइए, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, किन लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है सर? ये जिसके घर में 2 किलोवाट से कम का बिजली का मीटर लगा हुआ है, ये उनके लिए है। और छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है नहीं, क्योंकि राशन कार्ड सभी की जरूरत है, ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ है नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड बन जाए और उनको फ़ायदा मिले। आज कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं राशन कार्ड के लिए और कितने आप लक्ष्य रखा हुआ, कितने लक्ष्य? ऐसा कोई हमने लक्ष्य नहीं था, लेकिन आज बहुत संख्या में लगभग 800-900 1000 के आसपास लोग होंगे जो आज आए, और काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और अभी बन रहे हैं। बहुत भीड़ लगी हुई है, आप देखें हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। सर आप बताएं, पहले CCTV, फिर तीर्थ यात्रा और उसके बाद अब राशन कार्ड, कितना फ़ायदा जनता को मिलने वाला है इस स्कीम? बिल्कुल, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, हर चाहे BJP पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उससे हटके बहुत बढ़िया, और उन्होंने दिखा दिया है कि ईमानदारी का मतलब और ईमानदार सरकार क्या होती है। पहले CCTV कैमरा का भी वो हुआ, 200 यूनिट बिजली उन्होंने कम किया, पानी का भी बीच में कैंप लगा, पानी का भी उन्होंने काफ़ी जो पीछे बिल पेंडिंग था लोगों का कम किए, अब जो राशन कार्ड का वो है उसको भी हमारे विधायक आदर्श शास्त्री जी ने पूरा प्रचार प्रसार करवा के कि लोगों को दिक्कत ना पड़े, क्योंकि बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि क्या नाम लो राशन कार्ड कब बनेगा, क्या होगा, तो उन्होंने बढ़िया तरीके से सारा वो करके राशन कार्ड का जो है कैंप लगवाया। राशन कार्ड से बहुत ही फायदा होता है गरीब जनता को, 2 रुपये किलो गेहूं और 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं, और स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ मिलता है। EWS कोटे से एडमिशन हो जाते हैं बच्चों का स्कूल में, और हॉस्पिटल में EWS कोटे से इलाज भी हो जाते हैं, यानी कि जनता को इस राशन कार्ड से बहुत ही फायदा मिलता है। कम से कम सुबह से आप देख ही रहे होंगे, सुबह से आप सबसे पूछ रहे होंगे इस बात को, कम से कम लोगों की भीड़ आए जा रही है और शाम तक 6 बजे तक हमारा कैंप है, और मैक्सिमम हम मानते हैं कि कम से कम 500-700 बंदों के हम राशन कार्ड बनवा देंगे। अभी अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद इसमें कुछ कमियां निकलेंगी, अगर कुछ कमियां निकलेंगी दोबारा इनको कॉल करके बुलाया जाएगा, इनको कमियों को पूरा करवाया जाएगा। और हम मानते हैं कि ये हमारे विधायक जी आदर्श शास्त्री जी, जिन्होंने इतनी पब्लिक को इतना काम दिया कि आज वही काम हो रहा है। दरअसल राशन कार्ड वो कार्ड होता है जो किसी सरकार की ओर से जारी किया जाता है। यह कार्ड धारक को भोजन या अन्य सामान प्राप्त करने की सुविधा देता है। गरीबी से प्रभावित लोगों के लिए ये सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है। पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग राशन कार्ड के माध्यम से निम्नतम राशि में अनाज खरीद सकते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि शामिल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में राशन प्रणाली हमेशा स्थापित रही है। यह कार्ड भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने यहाँ मौजूद आम जनता से भी बात की, जिन्होंने बताया कि वो सरकार की राशन कार्ड की इस मुहिम से बेहद खुश हैं। राशन कार्ड बनवाना आए जितनी भी जो भाई है, बहने हैं,
ये सब राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। तो राशन कार्ड बन गया आपका, इधर अप्लाई कर दिया आपने? ये तो फार्म जमा हुए हैं, बनेंगे बाद में। अच्छा। जब फार्म जमा हुए तो बनेंगे भी। तो इस तरह के कैंप ये पहली बार लगाया गया विधानसभा में, पहले भी लग चुके हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो आज पहली बार ही है। पहली बार लगाया। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार इतना लेट क्यों बनवा रही है? ये तो जो जी हो सकता है LG ने मंजूरी नहीं दी हो। सर, तारीफ करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल, बहुत अच्छा अच्छा काम करवा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन, हर चीज़ का, पानी का, हर चीज़ का करवा रहे हैं। इसके लिए सर काफ़ी सब कोऑपरेटिव है, ठीक है, लेकिन जिसके साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे किसी को पता नहीं था उसका गांव का एड्रेस है, तो उसके वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उसको पहले आधार कार्ड यहाँ का बनवा करके फिर करना पड़ रहा है, बाकी सब यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि 4 साल बीत गए हैं लेकिन पहली बार ऐसा कैंप लगाया गया है? जी, हमेशा कुछ ना टाइम कुछ ना टाइम यहाँ पे कैंप लगता ही रहता है, ये नया नहीं है, इसे पहले भी कई बार लगा है जैसा मुझे पता हुआ है। दरअसल विधायक ने कई दिन पहले से ही पोस्टर के जरिए राशन कार्ड कैंप का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, और जब राशन कार्ड कैंप उनके दफ्तर में लगाया गया तो उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ आई। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जनता की सेवा की। पहले मुफ्त बस सेवा, मुफ्त वाईफाई, बिजली बिल हाफ और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा के बाद अब राशन कार्ड की ये मुहिम साबित करती है कि दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए हर बुनियादी सुविधा मुहैया कराना चाहती है। और यहाँ हम पहुँचे, हमने यहाँ कार्यालय में बात की तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से, उन्होंने बताया कि भारी भीड़ यहाँ उमड़ रही है राशन कार्ड बनवाने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।